जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए टस्केलक मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं सोचने लगा, इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं। तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करें। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। और मैं जमीन पे सोता था, नारियल के पानी पर रहता था, और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ मैं अपना, जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया दक्षिण भारत में, हाँ। दक्षिण भारत में, और कम्ब रामायण का मैंने पाठ किया वहाँ, तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कम्ब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह पे हुआ। और मैं देख रहा था सबके आँख में आंसू थे, ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके, यहाँ बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। मेरा कार्यक्रम नॉन नहीं था, मेरा काम तो ऐसा व्यक्तिगत था, लेकिन जो जन सामर्थ्य था एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभव कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये 11 दिन की घटना मैं देखता हूँ। मैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी, मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, पहले वो इवेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था आपके लिए। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई दे करके मंदिर बनाया है जी। ये मंदिर, तीन चीज़ें मैं देखता हूँ, एक 500 साल का अविरत अखंड एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान, दूसरा लंबी न्यायिक प्रक्रिया, इतने सालों की न्यायिक प्रक्रिया, और न्यायिक प्रक्रिया के हर तराजू से तुल करके निकला हुआ कसौटी हुआ हुआ, तीसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, एएसआई के द्वारा उसकी खुदाई सबूत, ये एक बहुत बड़ा, और चौथा हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने एक एक दो दो पाँच पाँच रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं।